वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। तो अब थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो होने वाली है सिटी डिलक्स के ऊपर। ये सिटी डिलक्स पहले कुछ ऐसी दिखती थी, सिंपल सी, जैसी कंपनी से आती है। तो ये वीडियो भी कूलर टावर कस्टम्स वालों की नोटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, बाइक जब तैयार हो रही थी तब की कुछ फोटोज हैं। फुल चैसी रिपेंट है, देखिए चैसी में भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है, जिससे मतलब स्ट्रक्चर को वो कमज़ोर बिना ना करे हुए। ये साइड से टैंक का लुक, ये पीछे की टेल लाइट्स, स्पोर्टी टेल लाइट्स हैं। ये मीटर यूनिवर्सल मीटर होते हैं, आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। ये साइड से देखिए बीटी डीलक्स की ब्रांडिंग। आगे हेडलाइट है, एवेंजर टाइप की हेडलाइट है और इंडिकेटर्स विद डीआरएल। मीटर पे थोड़ी सी टेपिंग की गई है। ये न्यू लॉक सेट, हैंडल भी इसका स्पोर्टी है, ब्लू डीआरएल वाले इंडिकेटर्स है। पीछे से कुछ ऐसा लुक है। साइड के जो बैक फेंडर्स हैं वो हटा दिए गए हैं, जिससे और प्रॉपर कैफे रेसर वाला लुक आ रहा है। मर्सिडीज शेप्ड अलॉय व्हील्स हैं, जैसे आपने बुलेट और स्प्लेंडर वगैरह में देखे होंगे। ये पीछे से बाइक का लुक, एग्जॉस्ट भी इसका मॉडिफाइड है, रियर टायर थोड़ा सा अपसाइज्ड है। ये साइड से जैसे बुलेट पे सीरियल नंबर आता है वैसे लिखा गया है। देखिए, कोई देख के कह नहीं सकता कि ये सिटी डिलक्स बाइक है। आगे से भी टायर अपसाइज किया हुआ है। पूरी चेसी और बॉडी ब्लैक पेंटेड है। चेन कवर हटाया हुआ है। ये पीछे से राइट साइड का लुक, फ्रंट लुक, कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये सिटी डिलक्स कैसी लगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।